नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो मेरे गंगोत्री सीरीज़ का ही एक पार्ट है। मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा कि किस तरह मुझे इस यात्रा में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, किस तरह हम दो दिन बारिश में भीगते हुए उत्तरकाशी पहुँचे और तब जाके हमें रात की सांस मिली। अब मैं इस वीडियो में अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये यात्रा करने के बाद जो मुझे महसूस हुआ वो ये कि अगर मुझे राइड करनी है तो मैं सिर्फ राइड पे ही ध्यान दूंगा, और अगर मुझे कोई ट्रैक करना है तो फिर मैं सिर्फ ट्रैक के लिए ही प्रिपेयर होकर जाऊंगा। आप लोगों को मैं कुछ जानकारियां देना चाहूंगा। कभी भी ग्लेशियर ट्रैक को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। जिस तरह हम लोग लगभग पूरी तैयारियों के बावजूद भी इतना परेशान हुए, मुझे लगता है अगर वहाँ पर हमारी तैयारियाँ नहीं होती तो शायद कोई हादसा भी हो सकता था। मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है, मेरा मकसद किसी भी ट्रैक करने वाले को, राइड करने वाले को सिर्फ आगाह करना है। अगले दिन हम लोग उत्तरकाशी से निकले तो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने 3 दिन के लिए रेड अलर्ट किया हुआ था, लेकिन आज मौसम बिल्कुल खुल चुका था। सुबह सुबह जल्दी उत्तरकाशी से निकलकर हम लोग टिहरी के पास पहुंचे। दोपहर तक हम लोग टिहरी डैम पहुंच गए और वहां पर हमारी मुलाकात एक नए जोशीले प्रेस रिपोर्टर से हुई। इसके बाद अब आप आगे देखिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश उत्तराखंड के तमाम जिलों में हो रही है। चाहे अगर बात करूँ मैं टिहरी की और उत्तरकाशी से लेकर अगर केदारनाथ बद्रीनाथ से लेकर तमाम जगहों पर लगातार भारी बारिश है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी लगातार जारी किया हुआ है। इसी के चलते जो प्रशासन है, सरकार है, वो भी पूर्ण रूप से अलर्ट है। सरकार ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सीधे तौर पर तमाम जो जिलाधिकारी हैं उत्तराखंड के तमाम 13 जिलों के तो उनको सीधे तौर पर अलर्ट पर रखा हो गया है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत होती हो तुरंत सरकार तक बातें करें। उधर कुछ भी नहीं है भाई, इधर ये देखिए दोस्तों, ध्यान से चलें पहाड़ों में ना, जल्दीबाजी ना करें। सामने एक आपको गाड़ी दिखाई दे रही होगी, मुझे लगता है पिकअप वगैरह है कोई महिंद्रा की। चलो करीब चल के दिखाता हूँ, वो देखो नीचे लटकी हुई है। अरे पिकअप नहीं है तो पूरा ट्रक है। हाँ ये देखो ना, इसका ये एक्सल सामने का टूटा हुआ है, पता नहीं टूट के नीचे गया या क्या हुआ है। लेकिन कमाल की बात है, ये खाई में नीचे नहीं गया, यहाँ तक अटक गया, या पता नहीं इन्होंने इसको खींचा है अभी। इसको क्या भाई, नीचे से खींचा है कि यहीं अटक गया? यहाँ पे बंदा बच गया, बंदा बच गया। अच्छा ये टूट गया मेरे ख्याल से, इसलिए गया ये नीचे। हाँ दूर से देखने में लग रहा था जैसे कोई महिंद्रा पिकअप वगैरह है, पर ये पूरा ट्रक है बड़ा वाला। नीचे ईंटें पड़ी हुई हैं, बैटरी भी पड़ी उसकी। ये देखो खाई है नीचे पूरी। अब तक हम लोग चंबा को क्रॉस कर चुके थे और ऋषिकेश के नज़दीक पहुंच चुके थे। हमारा आगे का सफ़र जारी था जो कि दिल्ली के लिए था। आगे बारिश की कोई संभावना नहीं थी और अब हम सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। चंबा से ऋषिकेश का सफ़र करीब 2 घंटे का रह जाता है और उसके बाद हम मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे एहसास हुआ कि जान बची तो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए।
इधर भी मैं भी आ जाता हूँ, चलो अब दौड़ते हैं जोर जोर से। जोर जोर से नहीं यार, पैरों में दर्द हो। बस अब हमें दिल्ली जाना है। ओहो। तो दोस्तों मैं हूँ भी गंगा किनारे हरिद्वार और हर की पौड़ी पे। तो मेरी ये जो 5 दिन की जो यात्रा थी गोमुख की गंगोत्री की, ये यहाँ पे पूर्ण होती है। और इस यात्रा में बहुत मज़ा आया, काफ़ी सारे अच्छे और ख़राब तो नहीं कह सकते, अच्छे ही एक्सपीरियंस रहे अलग अलग टाइप के। तो इसमें मैंने अच्छे खिले हुए धूप में एकदम चमकते हुए पहाड़ देखे, खूब सारी बारिश देखी, बर्फ़ देखी, काफ़ी सारी परेशानियाँ भी देखी, जिसमें मैं ज़्यादातर जो ऐसे हुआ कि मेरी स्कूटी 3-3 बार पंचर हुई और हेल्प भी मिल गई मुझे साथ के साथ, ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा। तो हर तरह का अनुभव रहा और बहुत ही अच्छी रही। तो इस यात्रा को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और जुड़े रहिए मेरे चैनल से और कमेंट करके बताइए आपको ये मेरी गंगोत्री सीरीज़ वाली यात्रा कैसी लगी। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, गुड बाय।